ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुर्खियों में। आइए सुनते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज से 8 साल पहले भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता मिशन शुरू हुआ और आज इस सफल मिशन के हमारे पास कुछ ऐसे सकारात्मक नतीजे हैं जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि जब ये मिशन शुरू हुआ था तो उसके लिए जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्यों की ओर हम एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इस दिशा में न सिर्फ इस स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार ने इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों को शुरू किया, अलग अलग चरणों को शुरू किया, बल्कि कुछ ऐसी इनोवेटिव पहल को भी शुरू किया जिससे कि युवाओं को जोड़ने के साथ साथ, स्टार्टअप्स को जोड़ने के साथ साथ और साथ ही साथ देश के तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने इस मिशन में जोड़ा। और आज हम इस दहलीज पर हैं कि 2022 में हम इस मिशन के कई लक्ष्यों को हासिल करके इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शिखर जी, अगर हम इसके हासिल नतीजों के 2-3 बिंदु आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 8 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, आज वो कौन से आपको 2-3 अहम बिंदु नजर आते हैं जिससे कि हम इस मिशन को अब तक का एक सफल मिशन कह सकते हैं? बिल्कुल कमल जी, जब 8 साल पहले ये शुरू हुआ था लग रहा था कि कोई सरकारी कार्यक्रम है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, लेकिन अगर हम पीछे मोड़ के देखें ये पिछले 8 साल में ये जो पहले लग रहा था सरकारी कार्यक्रम आज एक मास मूवमेंट बन गया है, मतलब लोक आंदोलन बन गया जिसपे हम देख रहे हैं युवा है, स्कूल बच्चे हैं, कॉलेज के छात्र हैं, ये सब मिलकर एक प्रकार से स्वच्छता अभियान जो है एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस, एक कंटिन्यूइंग मूवमेंट बन गया है। और आज हम देख रहे हैं कि जब हर साल ये स्वच्छ सर्वेक्षण जब आता है उससे पता चलता है कि अब हर शहर में कुछ ना कुछ चीजें बदल रही है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही है फॉर द बेटर। इसीलिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब अवार्ड्स दिए तो उन्होंने कहा कि कई छोटे टाउन्स ले लीजिए, सिटीज ले लीजिए, कई राज्य ले लीजिए, इन्होंने अपने आप को कचरा से मुक्त यानी गार्बेज फ्री ऐसे कैसे बने इसके लिए कई मतलब स्टेप्स लिए, जिस स्टेप्स कई जगह पर बड़े स्टेप्स लिए गए, कई जगह पर छोटे स्टेप्स है, लेकिन हर राज्य हर बड़े बड़े शहर में कोशिश हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और आज क्योंकि स्वच्छता दिवस है, आज से 3 हफ्ते के लिए जो बड़ा कैंपेन चल रहा है वो कैंपेन ये है कि कैसे हम कचरा को सेग्रीगेट करें। देखिए, एक तो पहले से ही हो रहा है कि एक है जो गीला कचरा है और दूसरा जो सूखा कचरा है, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में जैसे इंदौर जिसको पुरस्कार जो मिला है क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर करके जो टाइटल मिला है, यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होती है, जो अलग करते कचरा को, जे तरीका से उसको अलग करते हैं, वो भी कहाँ पे करते हैं, कलेक्शन पॉइंट पे ही करते हैं। एक बड़ा उदाहरण है, देखिए क्या है कि अगर कचरा सब कलेक्ट करके चले जाएंगे जो भी म्युनिसिपल स्टाफ हो या जो भी स्टाफ उसमें लगे हुए, उसके बाद कैसे इसको सेग्रीगेट करें। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है जो नीति आयोग ने भी तय किया, वो रिसाइकिल कैसे करें। ये सारी चीजों को लेकर आज स्वच्छता की जो कैंपेन है और ये कैंपेन का अलग अलग रूप ले लिया है। और जैसे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री कल कह रहे थे कि सब जगह यही कोशिश है कि किसी तरह हम आगे ये 3 हफ्ते का तो ये कैंपेन है कि सोर्स एग्रीगेशन का, मतलब आज से शुरू करके, लेकिन धीरे धीरे हमें वो स्थिति प्राप्त करना है जिसमें भारत कह सके कि वो कचरा मुक्त है। बिल्कुल, और इस दौरान जैसा कि आपने वेस्ट सेग्रीगेशन की बात की तो खेल व युवा मामलों के मंत्रालय ने एक नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसमें कि गांवों पर विशेष रूप से फोकस है। 1 महीने तक ये अभियान चलेगा जिसमें 1 करोड़ किलोग्राम सॉलिड वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ऐसा कचरा इकट्ठा किया जाएगा। आपने शहरों की बात की, निश्चित रूप से शहरों में जो लोकल हमारे नगर पालिका नगर निगम है उनके द्वारा एक पूरी व्यवस्था है, गांवों में भी इस तरह के प्रयास अब शुरू किए गए हैं। और बात महत्वपूर्ण ये है कि गांवों में गांव वालों को भी कचरे प्रबंधन के बारे में एक जागरूकता के स्तर पर एक इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो जो खेल व युवा मामले मंत्रालय का ये विशेष अभियान है 1 महीने का, इसे आप कैसे देखते हैं, किस तरह गांवों में कचरा और कूड़े कचरे के प्रबंधन को लेकर एक जागरूकता आने में इससे मदद मिलेगी? आपने सही बात बताई कपिल जी, क्योंकि देखिए जब गांवों में जो चीज है क्या है कि जो सोच अभी चल रही है कि किस तरह गांव, मतलब गांव में वैसे ही स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूकता पैदा हुआ है, लेकिन सवाल है कि वहां की जो अगर कचरा है उसको कैसे डील करें। इसीलिए अब बात हो रही है कि कंपोस्टिंग यूनिट्स यानी उसको कंपोस्ट करें, क्योंकि वो कंपोस्ट करेंगे तो एक प्रकार से वो मैन्योर बन जाता है, मतलब खाद बन जाता है, अपने जो कृषि में काम आएगा।
तो सवाल है कि गांव हो या शहर हो, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए ताकि ये जो सेग्रीगेशन जो बात हम कर रहे हैं, जो सोर्स बेस्ड का मतलब क्या है, हर घर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम कचरा बाहर फेंकने से पहले हम ही तय कर लेते हैं भाई ये चीजें गीला तो है या सूखा है, और साथ में बाकी चीजें जो है उसको अलग अलग करके जहां जो जाना हम खुद प्रयत्न करें। मतलब हर नागरिक गाँव में हो या शहर में हो, वो खुद तय कर ले इस वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करें। अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और आपने कूड़े कचरे के प्रबंधन में साइंटिफिक अप्रोच की बात की, तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि स्वच्छता के सॉल्यूशंस को लेकर हमारे स्टार्टअप्स सामने आए, युवाओं की सोच सामने आए, और इसलिए अभी इस साल सरकार ने स्वच्छता चैलेंज नाम की एक खास प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें कि देश के बहुत से स्टार्टअप्स अपने अपने नए विचार के साथ सामने आए, और अभी कुछ दिन पहले ही इन स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया गया था जो विजेता रहे और जिन्होंने स्वच्छता को लेकर समाधान दिए। तो जिस तरह से सरकार युवाओं की सोच को, उनके आइडियाज को स्वच्छता में शामिल कर रही है और उससे समाधान तलाश रही है, ये कैसे महत्वपूर्ण है? पहले ये सोचता कि क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इसमें काफी आगे टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, हो सकता है कि हम उनसे टेक्नोलॉजी ले लें, लेकिन अभी हमें समझ आ रहा है कि कहीं भी टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट कर लीजिए वो हमारे देश के जो एनवायरमेंट है उसको सूट करना है, उसकी फिर कॉस्ट भी बात बनती है। अगर हमारे युवा अपने आइडियाज देकर, अगर जो हमारी सिचुएशन हमारे गांव में या कस्बे में या शहर में जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उस हिसाब से अगर हम सोल्यूशन निकालें, तो एक हो गया कि अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, और दूसरा कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, और तीसरा लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। देखिए कोई भी स्टार्टअप अपना तो पहले पायलट स्केल पे दिखाएंगे भाई हमारी ये टेक्नोलॉजी है वेस्ट मैनेजमेंट में, तो वो अपने कम्युनिटी लेवल पर इसको दिखाएंगे, जब कम्युनिटी वाले देखेंगे तो वो भी सुझाव दे सकते हैं कि इसको और सुधार के इस पे इम्प्रूवमेंट अगर जरूरत है कर सकते हैं। तो इस तरह स्टार्टअप अपने आप में एक युवाओं को एक इकोनॉमिक मतलब जनरेशन एक एक्टिविटी होती है जिसमें सरकार उनको मदद कर सकते हैं, बैंक्स मदद कर सकते हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकता है वो कई जगह जा सकता है, मतलब रूरल एरियाज भी जा सकता है, गांव में जा सकता है, कहीं से कर सकता है, क्योंकि जो कचरा है देखिए कचरा में बहुत वेल्थ है, उसमें कचरा को कचरा के रूप में आज नहीं देखते हम, कचरा को हम देखते हैं कि उसमें हिडन वेल्थ है, यानी अगर आप ठीक तरह से अलग करेंगे सेग्रीगेट करेंगे तो उससे भी आप उसको इकोनॉमिक मोनिटाइज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे गोबर, पहले गोबर को लेकर क्या सोचते, लेकिन जब गोबर गैस प्लांट शुरू हुए तब से लग रहा भाई गोबर से ही हम ये सब बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ऊर्जा ये कर सकते हैं, इससे आप इरिगेशन की फैसिलिटीज भी कर सकते हैं, ये कई चीजें हो सकती है। इसीलिए ये जो हमारी लक्ष्य है 2024-2026 भारत एक गार्बेज फ्री कंट्री बनेगा, ये एक अपने आप में एक पब्लिक मूवमेंट होगा निश्चित रूप से। और 2030 के संयुक्त राष्ट्र के कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, उसमें पर्यावरण की सुरक्षा, स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसको हासिल करने की ओर भारत अग्रसर है। और प्रधानमंत्री ने पिछले साल ये एक लक्ष्य रखा था कि 2026 तक हमें सभी शहरों को कचरा मुक्त करना है। तो अगर हम देखें तो 2030 के लक्ष्यों से पहले ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, किस तरह से सरकार की ये अप्रोच अहम है? सरकार की जो हमेशा सोच यही है कि जागृति बढ़ना चाहिए, क्योंकि जागृति इतने 8 साल में तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी बढ़े। हर नागरिक सोचेगा कि अगर मेरी तरफ से मेरी घर से इतनी कचरा डेवलप हो रही है तो इसको मैं कैसे प्रॉपरली मैनेज करूं। तो हर व्यक्ति अगर ऐसे सोचने लगता है तो इसका मतलब है जो स्टेट के या सरकार के ऊपर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होगा। दूसरी बात कमल जी, कचरा सब नगर निगम वाले ले जाते हैं, एक जगह डंप कर देते हैं, फिर वहां जाके उसकी ह्यूमन एफर्ट होती है सेग्रीगेशन में, यानी मतलब एक बड़े हैजर्डस काम है। इसीलिए साइंटिफिक मेथड में क्या है कि एक तो प्राइमरी सेग्रीगेशन जो खुद नागरिक करेगा, दूसरा सेकेंडरी सेग्रीगेशन जहां टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी उसको सेग्रीगेट करेगी कौन सा यूज हो सकता है, कौन सा रिसाइकल हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं। शेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़े और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपने हमारे साथ अहम जानकारियों सहित अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता
कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।